नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है एक माँ की तपस्या। सुबह सुबह रागिनी उत्साह भरे मन से बिस्तर से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेली के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास देवकी जी ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वे अपनी बहू के लिए पूरी बनाने वाली थी। रागिनी ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। रागिनी की माँ नहीं थी, हालांकि उसके पिताजी ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। फिर भी उसके मन में माँ के ममत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। रागिनी ने किचन में जाकर दो कप चाय बनाई। माँ जी उठिए ना, मुझे देर हो जाएगी। जो ही उसने स्नेहपूर्ण भाव से अपनी सास की बाँह पर हाथ रखा, रागिनी घबरा गई। उसकी सास का बदन तेज बुखार में तप रहा था। रागिनी ने अपनी सास के माथे पर हाथ रखकर छुआ तो वह तेजी से भागती हुई अपने बेडरूम में आई। अपने पति राहुल को झिंझोरते हुए बोली, उठो ना राहुल, देखो माँ जी को कितना तेज बुखार है। राहुल तुरंत उठकर अपनी माँ के कमरे में चल दिया। रागिनी ने अपनी फ्रेंड स्नेहा को फोन किया और बोली, हेलो स्नेहा, सॉरी मैं आज तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगी, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है। अरे ये क्या कह रही हो तुम, सब कुछ तैयार है और ऐन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज रविवार है, आज तुम्हारे पति राहुल तो घर पर ही होंगे, वे अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे। रागिनी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो स्नेहा, पर मम्मी को बीमारियों अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज रागिनी, ज्यादा आदर्शवादी बहू मत बनो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, स्नेहा खिंचकर बोली। सॉरी स्नेहा, फिर कभी सही। यह बात कहकर रागिनी ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसकी सास भी जाग गई। वो बिस्तर से उठने को हुई तो रागिनी बोली, माँ जी लेटी रहिए ना। बहू की बात को अनसुना कर देवकी जी दबी हुई सी आवाज में बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, चलो मैं पूरी बना दूं। माँ जी आप आराम कीजिए, मैं घूमने अपनी सहेलियों के साथ नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद राहुल डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। ओफो माँ जी, मेरा घूमना आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या, रागिनी ने कहा। उसने देखा राहुल बड़े प्यार से रागिनी की तरफ निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। मम्मी को वायरल था, 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा था। रागिनी ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने माँ जी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरे दिन दोपहर में खाना खाकर माँ जी सो गई। रागिनी बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उसकी सहेली स्नेहा और ज्योति आ गई। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए रागिनी ने उनका स्वागत किया। स्नेहा बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत नहीं है, हम ही मिल आए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ रागिनी, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया, ज्योति ने शिकायती लहजे में कहा। क्या तुम लोग भी नहीं गए, रागिनी ने हैरानी से अपनी दोनों सहेलियों की ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मजा भी नहीं आता, ज्योति नाराजगी से बोली। जो बीत गया उसे छोड़ो, रागिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पर हम तुझे ये समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई और तूने तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर रागिनी ने कहा, स्नेहा कैसी बातें कर रही हो, माँ जी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। वास्तव में भूल तुम लोगों की भी नहीं है, बचपन से ही लड़की के मन में सास की संवेदनशील महिला की इमेज होती है। लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, मन में आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा और मम्मी जी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यही जानती थी कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। माँ जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सही हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ो तो तुम्हें एहसास होगा। तुम्हारी सास डायरी लिखती है, हमें भी दिखाओ, स्नेहा और ज्योति ने आश्चर्य से कहा। रागिनी कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो
तब तक मैं बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। स्नेहा और ज्योति माँ जी की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं देवकी वर्मा प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति राज का मन किसी मरुभूमि की तरह था, जिसमें प्यार की कोपले खिल ही नहीं पाई। विवाह को अभी 6 माह ही बीते होंगे कि हम दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। उनके उग्र और शकी स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत तंग आ चुकी थी। मैं प्राइवेट स्कूल में हिंदी की अध्यापिका थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी भी देरी हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती थी। मैं जितनी संवेदनशील थी वो उतने ही भाव शून्य थे। शादी के 1 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ। राहुल के जन्म के बाद मुझे लगा था कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे राहुल पर पड़ने लगा था। वह अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह न तो शोर मचाता न ही खेल कूद में अधिक रुचि लेता। वक्त गुजरता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई। जब मुझे पता चला कि जिंदगी में दूसरी औरत है। नीता राज की ऑफिस में काम करती थी। पहले पहल एक बार पार्टी में उसे देखा था। जिस अधिकार से उसने राज के हाथों को थामा था वह बात मेरे मन में खटक गई, पर फिर भी राज के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वह बेवजह मुझ पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपने एक साथी अध्यापिका के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे राज पर निगाह पड़ गई। उसकी बाह साथ में चल रही नीता की कमर पर थी। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकारा था कि वो मुझे छोड़ सकते हैं किंतु नीता को नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद जल्द ही हमने तलाक ले लिया। मैं राहुल पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए राज तैयार हो गया। वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नजरें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 4 साल के बेटे राहुल की परवरिश की। वह अपने पापा को याद करते रोता रहता। उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की आवश्यकता थी। अंततः मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 साल पहले ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब से वह अकेली ही रह रही थी। माँ के आने से मुझे काफ़ी राहत मिली। राहुल के सब कामों का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। राहुल भी नानी के आने से बहुत खुश था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया था। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैं परेशान हो उठी, माँ यह सब कैसे हो गया? क्या बताऊँ बेटी, राशन लाने बाजार गई थी, रास्ते में रिक्शा पलट गई। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर ने मदद के लिए कौशल को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ क्षीण स्वर में बोली, तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी कौशल कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और कहने लगे, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था। तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलट गया। कौशल सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे करवाया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें करती हैं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने कौशल का दिल से आभार प्रकट किया। कौशल और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगे थे। धीरे धीरे उनसे औपचारिकता समाप्त होने लगी। माँ भी काफ़ी खुल गई थी। कौशल जब भी आते घर का वातावरण खुशगवार हो उठता। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ रही थी। बातें करते करते कौशल एकाएक खामोश हो जाता और मेरी ओर खोई खोई दृष्टि से देखना मुझे कहीं भीतर तक छू जाता था। उन नज़रों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ राहुल को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में कौशल ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा।
मैं हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर संयत स्वर में जवाब दिया था, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूं भी आप अविवाहित हैं और मैं एक बेटे की माँ, ऐसा कैसे संभव है? अविवाहित हूँ तो क्या हुआ, तुमसे 2 वर्ष बड़ा भी तो हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह से सोच लो फिर जवाब देना। रात में मैंने माँ को बताया तो वह उत्साहित तो उठी। सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, देव की बिटिया पर तुम्हारी नाराजगी के डर से चुप रही। कौशल शक्ल सूरत में साधारण है तो क्या, स्वभाव से हसमुख है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो आप माँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो। यह मत भूलो पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी, कुछ ही वर्षों में तुम्हारा बेटा राहुल बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी, उस समय तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। विवाह के बाद राहुल तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़ी ही चले जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ तो सो गई किंतु मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सच ही तो कह रही है माँ, जब राज ने दूसरा विवाह कर लिया, जिंदगी की सभी खुशियाँ उसे हासिल हैं और मेरे हिस्से में क्या आया, बेबसी, घुटन और राहुल को पालने की जिम्मेदारी। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा, यह कर्तव्य भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल किया है। यदि राज राहुल को अपने साथ ले जाते तो, इस कल्पना से ही मेरा हृदय तड़प उठता और मेरे मन में यह भाव आते ही मैंने राहुल को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती उसके बगैर। अब कौशल का हर दूसरे तीसरे दिन घर में आना जाना होने लगा। मेरी स्वीकृति पाकर कौशल की खुशी का ठिकाना ना रहा, मेरा मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच मैं भूल गई थी कि राहुल उपेक्षित हो रहा है। कहाँ तो वो अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता था और कहाँ अब उसके 2-3 विषयों में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं होता था, उसमें असुरक्षा की भावना भर रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन कौशल के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी तभी रुआसा सा राहुल मेरे पास आया, आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए बोला, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी, तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे और चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटक कर चिल्लाया, फिर न जाने क्या हुआ मेरा पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कर्तव्य में मुठ सी खड़ी रह गई। उसका इस तरह का व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराया और बोली, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा राहुल को साथ ले जाना अच्छा रहेगा, धीरे धीरे वह कौशल के साथ सहज महसूस करने लगेगा, किंतु जैसा सोचा वैसा कुछ भी न हुआ। कौशल चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने टोका, इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे। वह कुछ क्षण मुझे देखते रहे और बोले, अब तुम ही बताओ इसके सामने क्या बोलूं, इसे साथ लाने की क्या आवश्यकता थी। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वह चाहते तो उस दिन उसके साथ अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। कौशल को कई बार कह चुकी थी कि उसका राहुल के साथ घुलना मिलना जरूरी है, तभी वह उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले दिन रविवार को कौशल आए और बोले, देवकी जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं राहुल को घुमा लाता हूँ, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। कौशल के आखिरी शब्द मेरे हृदय को भेद गए। कौशल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा मन तो नहीं था राहुल को उसके साथ भेजने का, और वैसे भी राहुल भी तो जाना नहीं चाहता था। रात में कौशल के साथ खाना खाकर जब मैं घर लौटी तो माँ ने बताया कि राहुल जब से लौटा है न तो कुछ भी बात कर रहा है और न ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे नाराज होगा, इसलिए राहुल को मनाने के लिए मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह चुपचाप गुमसुम सा अपने बेड पर दबी हुई सी आंखों से लेटा हुआ है। जैसे ही मैं उसके पास बैठी वह उठ गया और अपनी नानी के पास जाकर लेट गया। कोई और समय होता तो मैं उसे मनाकर ही दम लेती,
किंतु उस दिन मैं ऐसा कुछ भी न कर पाई। एक अजीब सा अपराध बोध मन को घेरे हुए था, जिससे चाहकर भी खुद को मुक्ति नहीं पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल वर्मा जी ने मुझे बुलाया। मेरे ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल राहुल को क्या होता जा रहा है देवकी? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं, वर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले। दो दो विषयों में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ? स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। राहुल के क्लास के टीचर का कहना है कि क्लास में या तो गुमसुम बैठा रहता है या बेवजह ही साथियों के साथ झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई ना कोई बात चल रही है जो वह खुलकर नहीं कह पा रहा। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, वरन एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि जो बच्चे स्वयं को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता, राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसके सिर पर पिता का हाथ नहीं है, ऐसे में तुम्हारा दायित्व दुगना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा देवकी। बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसके लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। वर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को मैंने उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो वो बोला, मम्मी हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल के साथ। क्या अंकल के साथ? उसने शंकित होकर पूछा। नहीं, बस मैं, तुम और नानी ठीक है ना? वह कुछ आश्वस्त हुआ। पार्लर में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीद कर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देकर पूछ बैठी, अच्छा बेटा राहुल, उस दिन तुम कौशल अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर से राहुल से पूछा, बेटा कौशल अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरा हाथ झटक कर राहुल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों छलक रहे थे। वो बोला, मम्मी कौशल अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो। मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओगी, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा नानी के पास। राहुल की बातें सुनकर मेरा चेहरा फीका पड़ गया। राहुल की बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। अगले दिन कौशल आए तो मैं उत्तेजित होकर बोली, तुमने राहुल से क्या कहा था? कि उसे हॉस्टल में रहना होगा? मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रही हो। जानते हो राहुल इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौशल ने एक गहरी दृष्टि मुझ पर डाली, शांत स्वर में बोले, उत्तेजित मत हो देवकी, ठंडे दिमाग से सोचो। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। राहुल साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान हमेशा बटा रहेगा, तुम उसमें और मुझ में सामंजस्य बैठाने में लगी रहोगी। इसी प्रयास में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से कौशल का मूड उखड़ चुका था। गुस्से में वो बोले, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके। उसे घर से दूर करने की न सोचे। पहले ही तुम्हारे मनोभावों का पता चल जाता तो मैं कभी भी इस राह पर आगे नहीं बढ़ती। कौशल उठकर चले गए। तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में राहुल खड़ा था। उसे अपने सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा।
रुंधी आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झंझोर दिया था। माँ मेरे नजदीक आ बैठी, उनके कंधे पर सिर रख मैं बोली, तुम बताओ माँ, राज तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? नहीं देवकी, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा पत्थर दिल इंसान तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन की पुस्तक से कौशल का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब जीवन में एक ही उद्देश्य था, राहुल को उच्च शिक्षा दिलवाना, एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह भी आया कि जब राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई थी। रागिनी राहुल के पास उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैंने उन दोनों को बंधन में बांधने में विलंब नहीं किया। चांद सी सुंदर बहू घर में ले आई थी। आज सुबह मैंने सुना राहुल रागिनी से कह रहा था, मैं 4 वर्ष का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए, मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। रागिनी आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझे एक वचन दो, मम्मी का सदैव ख्याल रखोगी, उन्हें कभी अकेलेपन की त्रासदी न झेलनी पड़े। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरी तपस्या फलित हो गई थी। डायरी समाप्त हो चुकी थी। स्नेहा ज्योति खामोश बैठी अपने विचारों में विलीन थी। तभी नाश्ता लिए रागिनी कमरे में आई, क्या तुम दोनों ने डायरी पढ़ ली? स्नेहा बोली, हाँ रागिनी, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्वाग्रह के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी माँ जी और उनकी तपस्या पूजनीय है। रागिनी का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर प्रत्येक इंसान इसी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना आनंदपूर्ण और सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।